में बंधे कटरीना कैफ और विकी कौशल फिलहाल अपने वर्क कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए शूटिंग सेट पर लौट चुके हैं। विकी कौशल ने अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है, वहीं कटरीना कैफ भी शूट पर वापस आ गई हैं। अब इन सबके बीच में कटरीना और विकी की शादी एल्बम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी के साथ ट्रेंड हो रही है, सबसे ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रही है। कटरीना और विकी का रिसेप्शन फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया है। शायद जनवरी मिड में इनका वेडिंग रिसेप्शन होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, गेस्ट लिस्ट तक सामने आ गई थी, उसके बाद इस वेडिंग रिसेप्शन को पोस्टपोन किया गया है क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड के केसेस काफी ज्यादा तेजी के साथ फैल रहे हैं। अब इन सबके बीच कटरीना कैफ और विकी कौशल के वेडिंग एल्बम पर बात करते हैं। आप सब जानते हैं, लाल रंग के जोड़े में कटरीना कैफ जो हैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। कटरीना को देखकर हर किसी के दिल ने कहा, दुल्हन हो तो वैसी, और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उन्हें डेफिनेटली स्टाइल गोल्स मिल गए होंगे कटरीना से। लेकिन इस शादी में कोई और भी था जिसने सबकी नजरों को अपनी ओर बांधे रखा। इस शादी में कोई और भी था जो दुल्हन के बाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा। हम आपसे बात कर रहे हैं कटरीना कैफ की बहन इजाबेल के बारे में। वो ऑलरेडी अपनी खूबसूरती को लेकर हर जगह चर्चे बटोरती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि कटरीना की ये बहन दिखने में उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो हम आपके सामने शादी वाले इजाबेल के लुक पर बात करेंगे। आपको बता दें, इजाबेल ने जो लहंगा पहना वो भी सब्यसाची द्वारा ही तैयार किया गया है। उस लहंगे की खासियत क्या है और कैसे उस लहंगे में बिल्कुल दुल्हन की बहन, दुल्हे की साली इजाबेल ने कहर ढाया है। विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, इस लहंगे की पूरी डिटेलिंग हम आपको देंगे, सुनिए जरा। कटरीना कैफ की शादी को लेकर ढेर सारे चर्चे हुए। शादी को लेकर काफी सस्पेंस बनाकर रखा गया। सस्पेंस इतना ज्यादा कि जब फोटोज वायरल हुई तो लोग इस नए जोड़े को देखने के लिए सोशल मीडिया पर दीवाने से हो गए। कैट और विकी की शादी की तस्वीरें जो वायरल हुई, इन्हें इतने ज्यादा लाइक और कमेंट्स मिले कि ये बात साफ हो गई कि इस जोड़े को लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं। विदेशी भूमि पर जन्म लेने वाली कटरीना बहुत पहले ही भारत को अपने दिल में बसा चुकी थी। इंडियन ब्राइड की तरह कटरीना ने साबित कर दिया कि वो पूरी तरह यहाँ की हो चुकी है। सबको ये लगा था कि कैट अपने बॉयफ्रेंड विकी से क्रिश्चियन वेडिंग करेंगी, लेकिन कटरीना ने सभी रस्में हिंदू रीति रिवाज के साथ की। खैर, कटरीना की शादी में उनकी बहनों ने भी इंडियन अटायर पहने। सिर्फ कटरीना नहीं बल्कि उनके परिवार का एक एक सदस्य भारतीय रंग में रंगा नजर आ रहा था। ऐसा ही कुछ रहा पूरा का पूरा नजारा कटरीना कैफ के परिवार का इस शादी के दौरान। शादी में कटरीना कैफ की छोटी बहन इजाबेल कैफ भी थी, जिन्होंने हल्दी से लेकर शादी के फंक्शन तक में पारंपरिक कपड़े पहने। इजाबेल इन कपड़ों में इतनी प्यारी लग रही थी कि उन पर से नजरें हटाना किसी के भी लिए बेहद मुश्किल ही होगा। तस्वीरें सबूत हैं, आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं। इजाबेल ने कटरीना कैफ की शादी में पहनने के लिए फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के कलेक्शन में से लहंगा चुना। उनकी बहन का लहंगा जहां दुल्हे के लिए परफेक्ट कलर यानी सुर्ख लाल था, तो वहीं इजाबेल ने अपने लिए लाइट शेड का लहंगा चुना। सब्यसाची ने इस लहंगे को साल 2021 के हेरिटेज कलेक्शन में लॉन्च किया था। देख सकते हैं आप इजाबेल कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है इस लहंगे में। आपको बता दें, इजाबेल के लहंगे में नीचे फ्लेयर्ड स्कर्ट थी जिसमें नाइफ प्लीट्स डाली गई थी। लाइट पिंक कलर के फैब्रिक पर गोल्डन फ्लोरल वर्क किया गया है। वहीं बॉर्डर पर जरी और जरदोजी कढ़ाई करते हुए उसे हैवी लुक दिया गया है। इसके ऊपर डिसेंट ब्लाउज और साथ में दुपट्टा था जिस पर पीले रंग की फ्लोरल बॉर्डर और हेमलाइन पर सुनहरी किरण लगाई गई थी। इजाबेल के लुक को खूबसूरत ज्वेलरी, नेचुरल मेकअप और क्लिप्ड वेवी हेयर के साथ परफेक्ट टच दिया गया है और शादी के फंक्शन के दौरान उन पर से नजरें हटाना काफी ज्यादा मुश्किल था। आपको बता दें,
इजाबेल कैफ भारतीय परिधान में बेहद खूबसूरत लगती हैं। भारत आने के बाद वो अपनी बहन की तरह कुर्ता सेट साड़ी और लहंगा में ही नजर आती हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं जिसमें बोल्डनेस का तड़का भी लगाती हैं, लेकिन उनका देसी लुक हर किसी को भा जाता है।